सो मेरे सामने खड़ी है दो ऐसी ईवी स्कूटर्स जो एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा कड़क वाला टक्कर देती है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ी है द विदा वी वन प्रो, मेरे राइट हैंड साइड पे खड़ी है द टीवीएस आई क्यूब। दोनों की प्राइसिंग जो है वो सिमिलर है, दिस विल कॉस्ट यू 1,58,000 रुपीज़ एंड दिस विल कॉस्ट यू 1,57,000 रुपीज़। ये सब्सिडी की बाद वाली मैं आपको कॉस्टिंग बता रहा हूँ जो कि है ऑन रोड कॉस्ट, ठीक है। और इन दोनों स्कूटर का ना मैंने एक डिटेल राइड रिव्यू मेरी चैनल पर ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो आप जो है मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, बिकॉज हम आज प्योर एंड प्योरली करने वाले हैं इन दोनों का राइड टेस्ट। सबसे पहले मैं चलाऊंगा विदा, और ये रही स्कूटर की चाबी, हैशटैग खुशियो की चाबी इन द चैट। भाई लुक की अगर बात करो तो यहाँ पे ना आपको काफ़ी ज़्यादा कट्स एंड क्रीसेस नज़र आते हैं, ये ना आपको बहुत ही ज़्यादा कर्व वाला मतलब जो ऑफिस वगैरह जाता है वैसी वाली लुक यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सबसे पहले बैठूंगा विदा वी वन प्रो पे, और इसकी सीट्स ना वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है। इसको करेंगे ऑन, चलो या सॉरी ये हो चुकी है ऑन, चलो चलाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे स्कूटर के कंफर्ट की। भाई ये स्कूटर ना मेरी हाइट जो है 5'10" है, और मैं ऑलमोस्ट 75-80 किलोस का हूँ, और यस इट इज़ अ वेरी वेरी कंफर्टेबल स्कूटर। सीट्स जो इसकी काफ़ी चौड़ी सी है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, दो जन इस पर आसानी से कम्यूट करती है। IQ की जो सीट है ना वो प्रॉपर एक्टिवा वाली सीट है, जो मैं आपको तभी जब चलाऊंगा तब बताऊंगा। सो उस पर कम्फर्ट आपको आई थिंक ज़्यादा मिलेगा, बट फिर भी उस पर बाद में आता है। सो यस दिस इज़ कम्फर्टेबल, श्योरली कम्फर्टेबल, और रिफाइनमेंट्स आर रियली गुड। भाई ये हब मोटर्स, ईवी के जो हब मोटर्स होते हैं वो हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत स्मूथ होते हैं, तो यहाँ पर आपको स्मूथनेस काफ़ी बढ़िया सी मिल जाती है। हैंडल बार्स ना इसके काफ़ी ज़्यादा वाइड है, और ये डिस्प्ले भाई ये 7 इंच का जो TFT डिस्प्ले है, टच डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलता है, और अगर आप चाहो तो ये जॉयस्टिक से भी इसको कर सकते हो। मेरी जो थाइज़ है वो यहाँ पे टच नहीं हो रहे हैं। ओवरऑल इट इज़ अ कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन, अब इसमें किलोमीटर्स 100% क्लॉक कर सकते हो, और यहाँ पे आपको राइडिंग मोड्स भी मिलते हैं। फिलहाल मैं चला रहा हूँ इसको इको मोड में, इसको चेंज करके राइड मोड में आ चुके हैं, और पावर बढ़ चुकी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कड़क, क्या बात है इसमें। और एक आई थिंक इसके बाद जो स्पोर्ट मोड है उसको भी मैं ट्राई करूँगा, बट ये राइड मोड तो भाई क्या मतलब मज़ा आ रही है, और बहुत ज़्यादा साइलेंट है ये देखिए, सुपर यार। और इसकी जो टॉप स्पीड है, दोनों स्कूटर की टॉप स्पीड वो है 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब 80 के ऊपर ये दोनों स्कूटर आपको नहीं जाएगी। पर यार दिस इज़ ब्यूटीफुल यार, मज़ा आ गई, द मोटर इज़ वर्किंग फैंटास्टिक, ये देखिए। अभी हम लोग यू टर्न मार के करेंगे इसका स्पोर्ट्स मोड, ये स्पोर्ट्स मोड में मैं आ चुका हूँ, धमाक। चले स्पोर्ट्स मोड में करेंगे 3, 2, 1, ये देखिए भाई ये स्पोर्ट्स मोड में ना किसी को भी पीछे छोड़ देगा। आई थिंक 25 Nm का टॉर्क यहाँ पे आपको मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा खड़ा है यार, ये मज़ा आ रही है इसको चलाने में स्पोर्ट्स मोड में, और क्या ग्रिपिंग यार। हैंडलिंग की अगर बात करूँ भाई, स्कूटर का हैंडलिंग इज़ ऑन पॉइंट, काफ़ी ज़्यादा कड़क। खाली सनलाइट में मेरे को थोड़ा सा मुश्किलिटी हो रही है इसको रीड करने में, आई थिंक वो अडेप्टिव पे रहेगा इसके लिए, बट फिर भी मुश्किल तो हो रही है, मुझे दिख नहीं रहा, मे बी ये पन्नी की वजह से मुझे, हाँ ये पन्नी की वजह से नहीं दिख रहा है भाई, दिखता है सॉरी। और सस्पेंशन भाई इसके ईवीज़ के जो सस्पेंशन होते हैं ना वो हल्के से होते हैं ऑन द स्टिफर साइड, सो यहाँ पे भी वही वाला हिसाब है, बट इसकी वजह से आपको स्टेबिलिटी जो मिलती है वो बेहतरीन सी यहाँ पे आपको मिल जाती है। स्पीड ब्रेकर वगैरह पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हैंडलिंग भाई इस स्कूटर का हैंडलिंग इज़ ऑन पॉइंट, बहुत ज़्यादा शार्प हैंडलिंग यहाँ पर आपको मिल जाता है, क्या भागती है ये स्कूटर यार, मज़ा आ गई। और ब्रेक्स की अगर मैं बात करूँ तो भाई ब्रेक्स ना इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यार, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलती है, और दूसरी जो ब्रेक है यहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी मिल जाती है। यू टर्न टेस्ट करेंगे यहाँ पे, और बहुत सारे स्विचेज आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, SOS स्विच भी मिलती है, क्या बात है, ओ माई गॉड। ये देखिए यू टर्न वगैरह आसानी से हो जाती है, यहाँ पर थोड़ा पुल करेंगे इसको, और हाँ इस स्कूटर में आपको दो बैटरीज मिलती है, आप चाहो तो दोनों को घर पे लेके जाकर भी चार्ज कर सकते हो, और आप यहाँ से भी चार्ज कर सकते हो। दोनों स्कूटर को चार्ज होने को लगभग लगते हैं 5 से 6 घंटे। मज़ा आ गया यार, ये भागती है स्कूटर, 69, 71, 5, क्या बात है यार, क्या बात है यार भाई, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूटर, और इसका जो हब मोटर है वो काफ़ी मज़ेदार सा पावर प्रोड्यूस करती है। दोनों स्कूटर जो है वाटर प्रूफ है, IP67-68 रेटिंग के साथ आते हैं।
भाई अगर आपको यू नो स्पीड से प्यार है और आपको जो है कंट्रोल स्कूटर का बहुत पसंद है, सो आई थिंक ये आपको बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करेगी। बट अभी मैं चलाने वाला हूँ द TVS iQube और मैं आपको बताऊँगा कि मुझे कौन सी दोनों में से क्या फ़र्क लगा, क्या फ़र्क नहीं लगा दोनों में। ये इंस्टेंट टॉक देती है यार, मज़ा आ गई। चलो हम लोग आ चुके हैं iQube के पास, इसको मैं यहीं पर पार्क कर दूँगा इसके बाजू में ताकि दोनों को बुरा ना लगे। तो अभी मैं चलाऊंगा iQube को और ये रही स्कूटर की चाबी, हैशटैग खुशियों की चाबी इन द चैट। भाई यस, मैंने आपको बताया था कंफर्ट ना आपको इस स्कूटर में ज़्यादा मिलता है, उसमें आपको हल्का सा स्पोर्टीनेस मिल जाता है। तो अभी आपका ये क्या है आप देख लीजिए, आपका मतलब आपको कंफर्ट ज़्यादा चाहिए था, हल्का सा स्पोर्टीनेस आपको चाहिए तो आप वो भी बता देना। और ये ना आपको प्रॉपर एक स्कूटर वाली वाइब देगी, जो एक्टिवा वगैरह चलाते हैं, जो जुपिटर वगैरह चलाते हैं, वो वाली वाइब यहाँ पे आपको मिल जाएगी। वो विदा में आपको लग रहा है, लगता है कि आप ईवी चला रहे हो, पर यहाँ पे आपको स्कूटर वाली वाइब मिलती है और बॉडी स्ट्रक्चर इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द विदा। और यहाँ पे मैं आपको क्लियर कट बता दूँ, इसकी बैटरी आप निकाल नहीं सकते, इसको जो है आपको आपके चार्जिंग पॉट से ही चार्ज करना पड़ेगा, घर पर लेके जा नहीं सकते। और अभी आ जाते हैं कंफर्ट की। भाई मेरी जो हाइट है 5'10" और यहाँ पे ना मुझे जगह कुछ ज़्यादा ही मिल रही है एज़ कम्पेयर टू द विदा। भाई आई थिंक कंफर्ट जो है पिलियन एज वेल एज राइडर को इसमें ज़्यादा मिलेगी, दो जन इसमें आसानी से बैठ सकते हैं। मैंने बताया था एक्टिवा वाली सीट्स यहाँ पे आपको मिलती है, जुपिटर वाली सीट्स मिलती है। और मेरे पाँव जो बराबर है, हैंडल बार्स जो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, सीट्स जो है बहुत ज़्यादा वाइड है। सो यस, कम्फर्ट 10/10 है यहाँ पे। और इसका जो डिस्प्ले है ये टच वाला नहीं है, विदा में आपको टच वाला डिस्प्ले मिलता है, यहाँ पे आपको ये जॉयस्टिक मिलती है, तो आप टच से जो इसको ऑपरेट नहीं कर सकते। इसमें आपको दो राइडिंग मोड मिलते हैं, इको है, दूसरा है पावर मोड। भाई अगर आप सिटी में चलाते हो तो इको मोड का जो पावर है वो आपको काफ़ी हो जाएगा, बट अभी मेरी स्कूटर जो है पावर मोड में आ चुकी है। तो थोड़ा थ्रॉटल ओपन करेंगे यहाँ पर, और ये स्कूटर ना कुछ ज़्यादा ही साइलेंट है, इसमें वो टी वाला आवाज़ भी नहीं आता जो मोटर का आवाज़ आता है ईवी में से, इसमें वो भी आवाज़ नहीं, मतलब आपको लगेगा कि आपकी गाड़ी ना पानी पे चल रही है। और यहाँ पे आपको रीजन भी मिलता है, आप नोटिस करो जैसे मैं थ्रॉटल छोड़ता हूँ ये रीजन करने लगती है, रीजन एक ही बात है। ओके, सो आई थिंक पावर ना आपको विदा में ज़्यादा मिलती है, बट रेंज जो है दोनों स्कूटर का अल्टीमेटली सेम है। यहाँ पे आपको 100 की रेंज मिलती है, उसमें आपको 110 की रेंज मिलती है। और पावर तो आप जानते हो, जैसे आप पावर बढ़ाते हो आपकी रेंज हो जाती है कम। अभी ये दिखा रही है 48% पे 36 किलोमीटर चलेगी, और मैं पावर मोड में इसको चला रहा हूँ, ठीक है। और हैंडलिंग पे आ जाते तो इसकी दीदी, और इसकी जो हैंडलिंग है ना वो मैं बोल सकता हूँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। विदा की जो हैंडलिंग है वो बहुत ज़्यादा शार्प है, इसकी जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर आप यू नो डे टू डे चलाते हो, और अगर मान लो आप आपकी एज ना थोड़ी 35-40 प्लस है, तो आई थिंक आपको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, वो ना थोड़ा यंग क्राउड को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, वो भागता बहुत है। तो ये ना एकदम ही स्मूथ राइड, यहाँ पर स्मूथ राइड मिलती है आपको, कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं, मज़ा आ गई। यही देखिए, और सस्पेंशन ना इसके आर ऑन द सॉफ्टर साइड। इसमें पीछे ना आपको ड्यूल शॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं, जबकि आपको विदा में जो है सिंगल मोनो शॉक मिलता है। सो आई थिंक इसके जो सस्पेंशन है आर ऑन द सॉफ्टर साइड, मैंने बताया था इसकी जो राइड क्वालिटी ऑन द सॉफ्टर साइड एकदम मतलब आराम से चलाओ वाली है, वो थोड़ा भागम भाग वाली है। ओके, ब्रेक्स पे आ जाते भाई, ब्रेक्स आर ऑन द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड यार, मज़ा आ गई, मतलब क्या ब्रेकिंग है। दोनों स्कूटर की ब्रेकिंग को मैं दे दूंगा 10/10, मज़ा आ गई। सो यस, आई थिंक दिस इज़ अ गुड स्कूटर यार, पावर वगैरह जो अच्छा खासा यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, और सारी की सारी चीज़ें आपको दोनों स्कूटर में मिल जाती है, नेविगेशन, ब्लूटूथ पेयरिंग वगैरह सब कुछ आपको यहाँ दोनों स्कूटर में मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा यूटर्न मार लेंगे, देखिए यूटर्न भी आसानी से हो जाती है। मैंने ना दोनों की दोनों ईवी चला लिए, मैं आपका जो वर्डिक्ट है एकदम ही सिंपल रखने वाला हूँ। अगर आपको एक बहुत ही मतलब ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाना है, और आपको कंफर्ट में जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, दो जन जो आप राइड करते हो और आपकी एज ना थोड़ी ज़्यादा है, बट आप यू नो आपको ऐसा कंफर्टेबल राइडिंग प्लेजर चाहिए, तो आई थिंक आपको जो है iQube सिलेक्ट करनी चाहिए। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट और आपको ना पावर चाहिए, मतलब आपको चाहिए कि मैं मतलब यू नो पावरफुल से एक ईवी स्कूटर चलाओ, और आपको एक ये भी एडवांटेज चाहिए कि आप इसका बैटरी निकाल के आप जो है घर पे लेके जाके चार्ज कर सकते हो, दो बैटरी इसमें आपको मिलती है, सो आपको वो थोड़े बहुत एडवांटेजेस चाहिए, तो आई थिंक आपको जो है विदा ज़रूर से चेकआउट करनी चाहिए। और अगर आप लोगों के पास मेरे लिए कोई सवाल तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस, थैंक यू सो मच।